हेलो हाय आय हाय, मैं आ गई हूँ आप लोगों के पास अपना खूबसूरत सा लेकिन थोड़ा सा मुरझाया हुआ चेहरा लेके, क्योंकि दिन निकल चुका है और दिन ढल भी चुका है, तो हो गई है शाम। अभी भी मैं हूँ वीवर्क में, वर्ली में। तो देखते हैं कितने दिन तक मुझे यहाँ पे आना होता है और क्या काम बनता है क्या नहीं बनता है। फिर आप सब दुआ में याद रखें मुझे कि मुझे मेरे काम को लेके बेसिकली, क्योंकि थोड़ी सी मेहनत चालू है, तो इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। अगेन आई होप आप सब ठीक है, आप सबका दिन अच्छा गया होगा। तो आज की लेटेस्ट न्यूज़ है, तो लेटेस्ट न्यूज़ एंड लेटेस्ट डिस्कशन का पॉइंट है, टॉपिक है अपने लोग। जो अपने लोग होते हैं ना, मैं उनके बारे में बात करना चाहती हूँ। कैसा होता है ना कि आप अगर कुछ कर रहे हैं, आप अगर आगे बढ़ रहे हैं ना, तो आपको सबसे पहले अगर कोई इनकरेज करेगा या आपको प्यार देगा या सपोर्ट करेगा ना, वो बाहर वाले लोग होंगे, वो आपके अपने लोग नहीं होंगे। ये मैं चीज़ आपको एक्सपीरियंस से बता रही हूँ, क्योंकि जो चीज़ें मैंने स्टार्ट की है, मैं स्टार्टिंग से ये चीज़ें देखते आ रही हूँ कि कुछ लोग ऐसे हैं, मेरे अपने ही लोग, जो मुझे सपोर्ट नहीं करते और दे स्टार्ट टॉकिंग अबाउट इट बिकॉज वी अंडरस्टैंड दैट दे कैन नॉट डू दैट। मैं जो कर रही हूँ वो लोग नहीं कर सकते, और मैं तो कर ही रही हूँ, तो मुझ पर यू नो दे स्टार्ट क्वेश्चनिंग एंड दे स्टार्ट डिस्कसिंग अबाउट इट। सो इट इज़ रियली डिस्गस्टिंग। आप लोगों को पता है, पहले आप लोग भी ये बात कभी कभार आपके भी दिल में आती होगी कि रास्ते पे कोई चल रहा है, व्लॉग बना रहा है, फ़ोन लेके बातें कर रहा है, लेकिन ये कभी मैं भी एक टाइम पे सोचती थी, लेकिन आज जब मैं वीडियोस बना रही हूँ तो मुझे पता चल रहा है कि ये कितना मेहनत का काम है। कि आपको 1000 लोगों के सामने आप रास्ते पे चल रहे हो, आपको यहाँ वहाँ नहीं देखना है, आपको बस अपने वीडियो पे कॉन्सेंट्रेट करना है। बेसिकली डू नॉट वरी अबाउट 1000 पीपल हु इज़ अराउंड यू, यू वरी अबाउट दैट पर्सन हु इज़ वॉचिंग योर व्लॉग। एंड अगर कोई ये कहता है कि तेरी बकबक कोई सुनेगा नहीं, या कोई ये कहता है कि कुछ नया चाहिए, या यू नो वी वॉन्ट टू सी मोर, आई अंडरस्टैंड यू गाइज वॉन्ट टू सी मोर, जो भी ये बोल रहे हैं मैं उनके बारे में बात कर रही हूँ, वरना अब तक मुझे ऐसे रिव्यूज़ आए नहीं हैं। बिकॉज आई नो पीपल वॉच मी, पीपल लिसन मी, पीपल अंडरस्टैंड मी, ओके। और ये जिन लोगों के बारे में बात कर रही हूँ, वो लोग बहुत समझदार लोगों के बारे में बात कर रही हूँ। तो आप कभी ऐसा रास्ते पे चलते हो और आप वीडियो शूट करते हो ना, तो आपके आसपास वाले लोगों को पता नहीं है कि आप क्या बात कर रहे हो, ठीक है, लेकिन वो सिर्फ एक पर्सन को पता है जो ये वीडियो देख रहा है। तो आपके वर्ड्स से, आपकी बातों से वो इंसान को, आप जितने भी टाइम का, 5 मिनट, 6 मिनट, 4 मिनट, 3 मिनट, जितना भी टाइम का ब्लॉग बनाते हो, उस ब्लॉग पे, उस वीडियो पे उस इंसान को बांध ही रखना आपके वर्ड्स से, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और दैट्स कॉल्ड समथिंग विच इज़ लाइक यू नो इनसाइड सम पीपल, ये सब में नहीं होता। और आपके वर्ड्स हैं, आप इतने पावरफुल वर्ड्स बोल रहे हैं, आप बात कर रहे हैं ताकि आपको सामने वाला सुने। आप कुछ ऐसी बात कीजिए कि सामने वाला आपका वीडियो बंद करके भाग नहीं जाना चाहिए कि यार ये क्या बकवास कर रही है, ये क्या टाइम पास कर रही है। नो, बिकॉज व्हेनेवर आई टॉक आई ऑलवेज कम अप विद समथिंग न्यू, ओके। वैसे मुझे ये चीज़ किसी को एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है कि मैं क्या कंटेंट से आती हूँ, मैं क्या करती हूँ। और अगर आप लोग देख सकते हैं तो मेरा ये लाइव ब्लॉगिंग है, जो डेली चीज़ें होती है उसमें से कुछ मोमेंट मैं पिक करके आप लोगों को बताती हूँ। तो कुछ दिन के बारे में बात करती हूँ, कुछ शामों के बारे में बात करती हूँ, कुछ हालात के बारे में बात करती हूँ, और कुछ लोगों के बारे में बात करती हूँ। तो मैं यही समझती हूँ कि अपने अल्फाजों से लोगों को होल्ड करके रखना, अपने अल्फाजों से लोगों को एहसास दिलाना, अपनी चीज़ें समझाना, अपनी चीज़ों को एहसास करवाना, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और यही मेरा कंटेंट है जो लाइव व्लॉगिंग है। जिसको पसंद आए वो देखे, जिसको ना आए वो भी देखे और इन्जॉय करें, और प्लीज़ जलते रहें। खैर एक्सेप्ट दैट, अगर ये सोचते हैं लोग कि मेरा व्लॉगिंग, मेरी बकवास कोई नहीं सुनेगा, मेरा यू नो बड़बड़ कोई नहीं सुनेगा, तो ऐसा कुछ नहीं है बॉस। मैं इतने लोगों को जानती हूँ, जो लोग मुझे प्यार करते हैं वो मेरे लिए काफ़ी हैं। खैर मुझे ऐसे नेगेटिव लोगों के बारे में फ़िलहाल बात नहीं करनी, क्योंकि आई एम नॉट इन अ मूड पूरे दिन यू नो थोड़ा सा यहाँ पे स्पेंड करके, जो भी कर रही हूँ वो करके मैं ऐसे लोगों के बारे में बात करूँ जो ये सोचते हैं दैट नोबडी इज़ गोइंग टू वॉच योर व्लॉग और समथिंग लाइक दैट। प्लीज़ कीप दैट नैरो माइंड एंड दैट सिली थिंकिंग विद यू ओनली, एंड मैनी मोर थिंग्स आर अबाउट टू कम, ओके। एक्सेप्ट दैट मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ, यार आई डोंट नो, लेकिन 2-3 दिन से ना मेरे पैर बहुत ज़्यादा सूज रहे हैं। माइंड भी मैं एक जगह बैठी हूँ इसीलिए,
या मैं ज़्यादा मूवमेंट मेरा हो रहा नहीं है, तो शायद यू नो मूवमेंट मेरा हो रहा नहीं है, मे बी इसीलिए। एंड आई डोंट नो, लाइक यू नो शाम हो गई तो इतनी थकान हो जाती है, ऐसा लगता है सो जाऊँ। फिर अभी एक और चीज़ मैं आप लोगों का अगर डिस्क्लोज करूँ, तो जैसे कि नावेद है जो मेरे पुराने ऑफिस में था, सो ही इज़ गोइंग मनाली, तो मेरा भी बहुत ज़्यादा मन है, बिकॉज़ और भी कुछ कज़न्स और फ्रेंड्स हैं जो यू नो दे वेंट शिमला मनाली, तो मेरा भी बड़ा मन कर रहा है जाने का, लेकिन अभी क्या कर सकते हैं, लाइक यू नो इट्स अ विंटर और विंटर मुझे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं है। मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था कि मुझे माइग्रेन प्रॉब्लम है, सो इट्स वेरी डिफ़िकल्ट मी टू सर्वाइव इन यू नो चिल्ड माहौल में। अश्विनी से बात हुई सुबह से, अच्छा लगा थोड़ा, आजकल बात हो रही है उससे, एंड आई होप कि सबकी ज़िंदगी में सब कुछ ठीक हो जाए। शी इज़ ऑल्सो पिस्ड फॉर समथिंग बिकॉज ऑफ समथिंग, तो होपफुली उसके साथ भी ठीक हो जाएगा सब कुछ, क्योंकि मैं हूँ उसके साथ, तो उसको फिक्र करने की कोई चीज़ की ज़रूरत नहीं है। आई लव हर सो मच एंड आई विल बी ऑलवेज देयर फॉर हर। ऑल्सो अश्विनी को लेके और बाकी सबको लेके, जो लोग मुझसे प्यार करते हैं, जो लोग मेरा ब्लॉग देखते हैं, हेमा, योगेश सर, एवरीवन, लाइक यू नो जो मेरे करीबी लोग हैं, जो मेरा ब्लॉग देखते हैं, जो मुझे सच में पसंद करते हैं, सच में प्यार करते हैं, मुझे जो जेन्युइन लोग हैं मेरी लाइफ में, मेरे लिए वही काफ़ी है। काउंट मैटर नहीं करता, लेकिन मेरे लिए लॉयल्टी और मेरे लिए प्यार ज़्यादा मैटर करता है। तो द पीपल हु इज़ वॉचिंग माई ब्लॉग, द पीपल हु वॉच माई ब्लॉग, जो इतना ज़्यादा प्यार मिल रहा है सब चीज़ के लिए, हर चीज़ के लिए, थैंक यू सो मच, मैं आप लोगों को बता नहीं सकती हूँ, क्योंकि सच में मुझे बहुत ज़्यादा प्यार मिल रहा है अपनों से भी और दूसरे लोगों से भी। लेकिन कुछ लोग ऐसे नेगेटिव होते हैं, जैसे बातें करते हैं, तो मुझे यू नो सच में ऐसे टॉक्सिक लोगों को अपनी लाइफ से दूरी रखना, इट्स बेटर टू स्टे अवे फ्रॉम दोज काइंड ऑफ अ पीपल। मैं आप लोगों को भी यही सजेस्ट करना चाहती हूँ कि ऐसे लोगों को अपनी ज़िंदगी से दूरी रखें प्लीज़। खैर अभी हो रहे हैं 8:30, तो अभी भी मैं बी वर्क में ही हूँ, मैं यहाँ से निकलूँगी, तो आई प्रॉबली मैं यहाँ से कैसे जाती हूँ पता है गाइस, मैं यहाँ से टैक्सी लेती हूँ, नीचे से शेयरिंग टैक्सी मिलता है, वहाँ से लेके आई गो टू दादर स्टेशन, दादर स्टेशन से मैं ट्रेन लेती हूँ, आई गेट डाउन मलार स्टेशन, मलार स्टेशन से मैं ऑटो लेती हूँ और घर जाती हूँ। तो ये बहुत ज़्यादा लंबा सफ़र है एंड मुझे मॉर्निंग से यहाँ पे आना पड़ता है, तो लेट्स सी कब तक आना होता है। मैं भी दुआ करूँ सब कुछ ठीक हो जाए, एंड यू नो अबाउट माई वर्क एंड एवरीथिंग, कुछ कहीं से निकले हैं तो कहीं पहुँचने के लिए निकले हैं, तो जहाँ पहुँचने के लिए निकले हैं तो इंशाल्लाह आप सब दुआ कीजिए कि मैं वहाँ पे पहुँच जाऊँ, और आप लोगों का सबका प्यार तो मेरे साथ हमेशा है, सो आई लाइक यू नो नीड टू वरी अबाउट इट। वैसे अपार्ट फ्रॉम ऑल गाइज, मैं आप लोगों को बताती हूँ कि मैंने आज क्या पहना है। ओके सो मैंने एक नया बो भी लगाया है अपने बाल में, तो मैं आप लोगों को बताती हूँ। मेरी एक फ्रेंड है, मैं उसको बोलती हूँ मेरा वीडियो शूट करने के लिए, प्लीज़ गिव मी अ मोमेंट। तो अभी शायद मुझे निकलना चाहिए यहाँ से, क्योंकि ऑलमोस्ट सारा काम ख़त्म हो चुका है, तो मैं यहाँ से निकल रही हूँ, एंड काफ़ी ज़्यादा यू नो ट्रैफिक मिलेगा, गर्दी मिलेगा, सो आई वोंट बी एबल टू शूट वीडियो, बिकॉज दादर स्टेशन पे तो आप लोगों को पता है कि फ़ोन वगैरह स्नैच होते हैं, तो उस चीज़ के लिए मुझे बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है। मैं आप लोगों को मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में कल के दिन, क्योंकि कल सुबह जल्दी भी उठना है, यहाँ आना भी है, फिर ब्लॉग बनाना भी है, तो इसीलिए आप अपना ख्याल रखिएगा, चिल्ड्रन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, एंड आई मिस यू ऑल, थैंक यू सो मच फॉर ऑल लव, बाय।